ये कह रहे हैं कि बहन जी ने ब्राह्मण सम्मेलन कर दिया, त्रिशूल ले लिया, गणेश ले लिया, राजनीति है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तो उनको ये भी समझना चाहिए कि इस देश के प्रधानमंत्री जो वो इस देश के वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी उनके पैर धोते हैं और तौलिया से साफ करते हैं। मेरे बारे में लोग अक्सर कहते हैं, आज भी मैं देख रहा हूँ कि उसमें 8-10 लोगों ने मुझे ट्विटर फेसबुक पर भेज दिया कि राहुल नागपाल ने कभी ये लिख दिया था कि बहन जी जितनी जल्दी मर जाएगी उतनी जल्दी समाज का भला हो जाएगा। मैं पहले भी सफाई दे रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि मैंने पहली बात तो वो लिखा नहीं था, मेरी आईडी हैंग की गई थी और मैंने उस समय भी एक बात कहा था कि परिवारवाद का विरोध है और अगर अपना परिवार लेकर के आ रहे हो तो साहब काशीराम के परिवार को भी लेकर के आइए। मैंने बड़ी तारीफ की कि आकाश आनंद पंजाब में गए और वो मानेवर साहब काशीराम के घर गए, उन्होंने मानेवर साहब काशीराम की बहन के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया और वहां से उन्होंने अपना राजनीतिक जो पंजाब में शुरू की। तो अच्छी बात है ना, दो परिवार मिल रहे, काशीराम साहब का परिवार आ रहा है, बहन जी का परिवार आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लोग स्वीकार करेंगे, जो अच्छा काम करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, नहीं अच्छा काम करेंगे। नागपाल जी, 3 दिन पहले लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ जिसमें बहन जी गए, उन्होंने भाषण दिया और बहन जी को वहाँ पर एक त्रिशूल भेंट किया गया उस समाज की तरफ से, उसको लेकर कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जितना आप जिस सम्मेलन की बात कर रहे हो उसको प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम से और कुछ लोग ब्राह्मण सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जिसका समापन अभी 2 दिन पहले 6 तारीख को लखनऊ में पार्टी कार्यालय में हुआ है। बहन जी वहाँ पर चीफ गेस्ट थी और देश भर में जो प्रबुद्ध सम्मेलन हुए थे उसका समापन वहाँ हुआ सतीशचंद मिश्रा जी के नेतृत्व में और नकुल दुबे के नेतृत्व में, जो ब्राह्मण सम्मेलन और प्रबुद्ध सम्मेलन हुए थे। तो खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोगों को बहन जी ने वहाँ पर जो समापन हुआ प्रबुद्ध सम्मेलन का, उनको संबोधित किया। अब सवाल यह है कि त्रिशूल और गणेश और ये और वो जो सारे, अब या बहन जी के मंच पर पहुँचने के बाद जिस प्रकार से शंख और मंत्रोच्चारण किया गया, इस पर बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। देखिए, फूले अम्बेडकरी आंदोलन के जो लोग हैं, जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन को समझते हैं और जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन को चला रहे हैं, चाहे वो किसी भी संगठन में काम करते हों, हालांकि इस पूरे मामले पर बामसेप ने सबसे ज़्यादा शोर मचाया, बामसेप के कुछ लोगों ने सबसे ज़्यादा शोर मचाया, तो मैं उनसे कहता हूँ कि संगठन चलाना, वैचारिक संगठन चलाना, यानी कि मैं कहूँ कि फूले अम्बेडकरी आंदोलन को चलाना एक अलग बात है और राजनीतिक पार्टी चलाना एक अलग बात है। जो लोग सामाजिक संगठन चला रहे हैं, फूले अम्बेडकर की विचार के द्वारा संगठन चला रहे हैं, उन तमाम लोगों को संगठन चलाना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो लोग राजनीति में हैं उन लोगों को राजनीति करनी चाहिए और राजनीति में बहुत सारे समझौता करने पड़ते हैं। जो लोग ये कहते थे, जब मैं सुबह से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कि जी बहुजन समाज पार्टी तो बस हमारे बहुजन महापुरुषों का मिशन थी, उस मिशन में घाल में लोग, या तो उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि मानेवर साहब काशीराम ने कहा था कि जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, अगर इस देश के अंदर 3% या उत्तर प्रदेश के अंदर 14% टोटल आबादी में ब्राह्मण हैं तो 14% उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर शेड्यूल कास्ट 22% 23% है तो उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। OBC 52% है, 48% उत्तर प्रदेश के अंदर है तो उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और अगर इसमें कटौती हो रही है तो वो गलत हो रही है। अगर आप बसपा की सरकार बन रही है और उसमें अगर 14% हिस्सेदारी ब्राह्मणों को मिल रही है तो मिलनी चाहिए, इसमें गलत क्या है? और रहा सर, ये तो मानेवर साहब कह रहे हैं, भाई सर्वजन हिता सर्वजन सुखाय को अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड कर दें और हम सिर्फ मानेवर साहब की बात को कर लें कि जब जो लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को सर्वजन हिता सर्वजन सुखाय कर दिया, तो उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि साहब काशीराम ने कहा था कि जितनी जिनकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो अगर ब्राह्मण की, जैसा मैंने कहा कि ब्राह्मणों की आबादी अगर 13-14% है तो 13-14% अगर उनको सत्ता में भागीदारी मिलती है और उनका जो समाज है वो ब्राह्मणवाद को छोड़ करके, जातवाद को छोड़ करके, छुआछूत को छोड़ करके, असमानतावादी विचार को छोड़ करके, फूले अम्बेडकर की का जो विचार था, समानता का जो विचार था और जो संवैधानिक ढांचा है उसको मान करके बसपा के समर्थन में आ रहा है तो अच्छी बात है, उनके समर्थन को लेना चाहिए और सरकार बनानी चाहिए, इसमें गलत क्या है? और रहा सवाल जो त्रिशूल का और इनका सवाल है, तो मैंने कहा कि जो लोग सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चला रहे हैं, उनको सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलाना चाहिए, लेकिन जो लोग राजनीति चला रहे हैं, राजनीति में हर एक वोट की कीमत होती है, वोट चाहे किसी भी समाज का हो। क्या एक समाज मिलकर सरकार बना सकता है? देखिए, अगर एक समाज मिलकर के सरकार बना लेता तो मोदी जी को सर्वजन उसका नारा नहीं देना पड़ता, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी भी कहते कि हिंदू हिंदू काफ़ी है, हिंदू बोले तो इस देश का 15% सवर्ण, फिर OBC को शूद्रों को क्यों आप हिंदू बता रहे हो, फिर दलितों को घर में जाकर के क्यों खाना खा रहे हो, जो लोग पैर धो रहे हो, जो लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी ने ब्राह्मण सम्मेलन कर दिया, त्रिशूल ले लिया, गणेश ले लिया, राजनीति है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो उनको ये भी समझना चाहिए कि इस देश के प्रधानमंत्री जो वो इस देश के वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी उनके पैर धोते हैं और तौलिया से साफ करते हैं। इस देश के राहुल गांधी जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो दलितों के घर में जाकर के खाना खाते हैं, ये बात अलग है कि वो बाहर आकर के बिसलरी पानी पीते हैं या खाना अपना पहुँचाते हैं, लेकिन प्रचार किया जाता है। बीजेपी के बड़े नेता जाकर के दलितों के घर में
में खाना खाते, तो ये राजनीति है, राजनीति में सब कुछ संभव है। राजनीति जो है वो विचार की होती है, मैंने माना, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हमको राजनीति को ध्यान में रख करके करने पड़ते हैं। क्या बीएसपी में परिवर्तन आ रहा है? नहीं बिल्कुल, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि हमको स्वीकार करना चाहिए, ये बसपा जो है वो बसपा नहीं है जो बसपा ये लोग कट्टरवादी लोग ढूंढ रहे हैं। अब हम 2021 में जी रहे हैं, 1984 में बसपा बनी थी, उस समय क्या हालात थे, किन हालातों में बसपा बनी थी, क्या क्या नारे दिए गए थे, किन विचारों के साथ बसपा बनी थी, वो बात अलग है। लेकिन आज 2021 में 35-40 साल के बाद में राजनीति में खड़े हैं और 40 साल से निरंतर राजनीति में है और लोग पसंद कर रहे हैं। आज भी अगर करोड़ों वोट बसपा को मिलता तो ऐसा नहीं कि बसपा के चाहने वाले नहीं, तीसरे नंबर की लार्जेस्ट पार्टी है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि राजनीति समय के अनुसार बदलती है, राजनीति ऐसा नहीं है कि एक ही ढर्रे पर चली जाएगी। अगर एक ही ढर्रे पर चलती तो फिर जो योगी जी अपने आप को कट्टर बीजेपी का और हिंदू चेहरा कह रहे हैं, उन्होंने भी मुस्लिम जो है वो यूपी के अंदर मौसिम रजा जो है वो मंत्री बना रखे, क्यों बना रखे अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो। लेकिन राजनीति कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं, तो राजनीति समय के अनुसार बदलती है और विचार जो है वो समय विचार। आप लोग तो चाहते हैं ना परिवर्तन हो, बीएसपी में परिवर्तन हो रहा तो फिर भी दिक्कत है। नहीं, हम तो और भी परिवर्तन चाहते हैं, अभी तो इतना परिवर्तन हुआ, हम तो चाहते हैं और भी परिवर्तन आए। जिस प्रकार से बहन जी ने अपने भतीजों को जिम्मेदारी सौंपी है और वो मान्यवर साहब काशीराम के परिवार को भी जिम्मेदारी सौंपी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा उस दिन। मेरे बारे में लोग अक्सर कहते हैं, आज भी मैं देख रहा हूँ सुबह 8-10 लोगों ने मुझे ट्विटर फेसबुक पर भेज दिया कि राहुल नागपाल ने कभी ये लिख दिया था कि बहन जी जितनी जल्दी मर जाएगी उतनी जल्दी समाज का भला हो जाएगा। मैं पहले भी सफाई दे रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि मैंने पहली बात तो वो लिखा नहीं था, मेरी आईडी हैंग की गई थी और मैंने उस समय भी एक बात कहा था कि परिवारवाद का विरोध है और अगर अपना परिवार लेकर के आ रहे हो तो साहब काशीराम के परिवार को भी लेकर के आइए। मैंने बड़ी तारीफ की कि आकाश आनंद पंजाब में गए और वो मान्यवर साहब काशीराम के घर गए, उन्होंने मान्यवर साहब काशीराम की बहन के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया और वहाँ से उन्होंने अपना राजनीतिक जो पंजाब में शुरू की। तो अच्छी बात है ना, दो परिवार मिल रहे, काशीराम साहब का परिवार आ रहा है, बहन जी का परिवार आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लोग स्वीकार करेंगे, जो अच्छा काम करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, नहीं अच्छा काम करेंगे नहीं स्वीकार करेंगे। हमारा जो समाज है, जो खासतौर से जो SC ST OBC समाज है, जो बहुजन समाज है, वो नेता कैसा पसंद करता है, वो ऐसा नेता पसंद करता है जो उसके बीच में आया, उसकी बात को कहे, उसके बीच में खाया, उसके बीच में रहे और उसके बीच में सोए। मान्यवर साहब दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में तो जा रहे हैं, हम तो अच्छी बात है ना, जाना चाहिए, वोटर है हमारा, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? अगर झुग्गी झोपड़ियों में हमारा वोटर रहता तो हमको जाना चाहिए, मोदी जी थोड़े जाएंगे, योगी जी थोड़े जाएंगे। कहा जाता बहन जी नहीं निकलती हैं। हाँ तो बहन जी, चलिए बहन जी की अपनी व्यक्ति मजबूरी हो सकती है, बहन जी नहीं निकल रही थी, बहन जी ने कहते भी आकाश आनंद जाएगा, बहन जी साहब काशीराम के घर कभी नहीं, लेकिन आकाश आनंद गया ना, आकाश आनंद गया, उसने जाकर के मान्यवर साहब काशीराम की बहन के पैर छुए, तो वो लड़का आया है, नई उम्र का लड़का है, 24-25 साल का, काम कर रहा है, अच्छी बात है, देखो चेक करो उसको। चंद्रशेखर को लोगों ने क्यों पसंद किया? क्योंकि वो लोगों की हकहकूक की आवाज उठा रहा था, उसने राजनीतिक पार्टी बना ली तो हमारे जैसे लोग छोड़ करके चले आए। तो अब आकाश आनंद आया, आकाश आनंद ऑलरेडी राजनीति में है, वो जा रहा गरीबों के घर में जा रहा, झुग्गियों में जा रहा, झोंपड़ियों में जा रहा, उनकी बात सुन रहा, उनके गले मिल रहा, उनके साथ खा रहा, खाना खा रहा, अच्छी बात है। हमारा समाज यही तो चाहता था कि हमारा नेता जो हमारे बीच में आए। बहन जी किसी कारणवश अगर नहीं जा रही थी तो आकाश आनंद जा रहा, अच्छी बात है, आकाश को आकाश स्वागत होना चाहिए। देखिए मैं कहता हूँ कि हर अच्छे काम का स्वागत होना चाहिए और बुरा काम गलत काम जो कर उसका विरोध भी होना चाहिए। मेरा कहना है कि मैं तो कवि आदमी हूँ, कबीर का वंशज हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि हमको गलत का विरोध करना चाहिए। अगर कल को आकाश आनंद कुछ गलत करेगा तो मैं राहुल नागपाल सबसे पहले विरोध करूंगा। बहन जी ने गलत किया, मैंने विरोध किया, आज बहन जी सही कर रही, मैं समर्थन में हूँ। मेरा कहने का मतलब अगर प्रेजेंट टाइम में आकाश आनंद अच्छा काम कर रहा, वो गली गली जा रहा, झुग्गी झोंपड़ी जा रहा, लोगों से मिल रहा है, लोगों की बात सुन रहा है और जहां हमारा वोटर नीचे ले तबके का वो वहां तक जा रहा है, अच्छी बात है, स्वागत होना चाहिए इस पहल के, इसमें गलत क्या है? लेकिन मायावती जिस प्रकार की रणनीति अपना रही है यूपी में, क्या सफल हो पाएंगे? बिल्कुल सफल हो पाएंगे, क्यों नहीं सफल हो पाएंगे आप मुझे बताओ। देखिए जो लोग ये कह रहे हैं कि क्या, जो लोग मतलब असमंजस में है कि क्या बसपा की सरकार बनेगी, क्यों बनेगी, किस कारण बनेगी, भैया 2017 वाले चुनाव में बसपा सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी यूपी की, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी यूपी की, और जब सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी यूपी की तो 23.8% वोट था बसपा के पास में, सपा के पास में 21.2% वोट था, तो 1.5% वोट तो सपा से पहले भी ज्यादा था, सीटें बेशक कम थी। और अगर जो बीजेपी का हिंदू माइंडेड वोट है, मैं कह रहा हूँ 14% तो ब्राह्मण ही है, अगर ब्राह्मण भी आ जाता है वहां से हट करके तब सरकार बन जाएगी। जो मुसलमान पिछली बार अखिलेश के साथ चला गया, 30-32% पे सरकार बन जाएगी, तो 10% वोट की दरकार है और 10% वोट लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जो लोग शोर मचा रहेगा नहीं बसपा तो कोई फाइट नहीं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी आप देखेंगे 6 महीने पहले तक कह रहा जी बसपा तो कोई फाइट बनी, बसपा तो कोई फाइट बनी, बसपा तो कोई फाइट बनी, आज वही मेन स्ट्रीम मीडिया बैठ करके जो है वो बहुजन समाज पार्टी पर, बसपा की रणनीति पर, बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन पर वो 2-2 घंटे बैठ करके डिबेट कर रहा है। क्यों बसपा फाइट में, तो आप डिबेट क्यों कर रहे हो? बसपा को मालूम है
चाहे अब उन्होंने चाहे सी वोटर में बसपा को 15-14 सीट दिखा दी, मैं कह रहा हूँ यार आप 15-14 भी नहीं दिखाओगे तो आपके दिखाने ना दिखाने से हो क्या रहा है। बसपा का वोटर गांव में रहता है, बसपा का वोटर खेत पे है, खलियान में है, झुग्गी में है, झोंपड़ी में है, बसपा का वोटर शहर में बहुत कम रहता है, बसपा का 10% आदमी शहर में रहता है, बसपा का वोटर जो 90% गाँव में रहता है, वहाँ तक तो सी वोटर वाले पहुँचते नहीं है। तो जितने लोगों ने सी वोटर का जिक्र सी वोटर को लेकर के डिमोटिवेट हुए, मेरा उनसे कहना है कि आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, बसपा का वोटर गाँव में रहता है जहाँ तक इनके लोग नहीं पहुँचते।